मानसरोवर है, 15,000 फीट की ऊंचाई पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे है कैलाश। ये कभी पूरा हिंदुस्तान में हुआ करता था, यहाँ तक जो है ना ये पूरा हिंदुस्तान में कभी हुआ करता था, पूरा का पूरा। अभी हम लोग उस जगह पे खड़े हैं जहाँ से चिल्लाने के बाद चाइनीज सैनिकों को भी ये नारा जो है सुनाई दे रहा। मेरे दादाजी चीन के युद्ध में इसी जगह पे लड़े हैं, सिक्किम में पोस्टेड थे, पैरालिसिस हो गया। हम लोग 10 मिनट के लिए नथुला ऊपर गए थे तो सांस लेने में समस्या हो गया था। हमारे देश के जवान किस प्रकार से देश की सुरक्षा करते होंगे सोच सकते हैं। 1990 में चीन का इकोनॉमी भारत से पीछे, सन 2000 में चीन का इकोनॉमी और भारत का इकोनॉमी बराबर हुआ, और 2022 में चीन का इकोनॉमी भारत के इकोनॉमी से 5 गुना आगे है। मेरे पिताजी आज भी आर्मी में हैं और बिना गुड़ी में पोस्टेड है आज भी मेरे पिताजी। और डिफेंस बजट पे जितना पैसे का इस्तेमाल करता है चीन, उससे 6 गुना ज्यादा पैसा तो हम लोग चीन को टैक्स के रूप में दे देते हैं, उसका सामान खरीद के दे देते हैं। अभी मैं लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पे हूँ और यहाँ से खूबसूरत भारत का एक खूबसूरत तस्वीर आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। और भारत जो है इससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमें एक छोटा सा प्रयास करना है, वो भी मैं बताऊँगा। लेकिन भारत का कुछ खूबसूरत जगह जो है वो चीन ने अतिक्रमण कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो भी एरिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक वो भारत का एरिया था और अभी चीन का अधिकार उस पर हो गया है। वो अधिकार क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, उसके बारे में एक छोटी सी कहानी जो है आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। चीन हमारा दुश्मन देश है और दुश्मन देश का प्रोडक्ट जो है भारत के लोगों के नस नस में घुस गया और चीन के मजबूती का कारण जो है वो भारत बन गया, भारत के लोगों को पता ही नहीं चला। और वही कहानी अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग सबसे पहले ये बताना कि चाइनीज सामान का इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। कैलाश मानसरोवर जो कभी हिंदुस्तान का हुआ करता था और आज अगर सिर्फ और सिर्फ चीन का सामान का हम लोग अगर बहिष्कार कर दे, सिर्फ हम लोग, तो चाइना का अर्थव्यवस्था जो है वो खराब हो जाएगा। और जब चाइना का अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगा, चाइना सबसे ज़्यादा अपने पैसे का इस्तेमाल जो है डिफेंस बजट पे करता है, आप लोग गूगल कर लीजिए देख लीजिए। और डिफेंस बजट पे जितना पैसे का इस्तेमाल करता है चीन, उससे 6 गुना ज़्यादा पैसा तो हम लोग चीन को टैक्स के रूप में दे देते हैं, उसका सामान खरीद के दे देते हैं। ये देखिए ये यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ग्राउंड जीरो है ये नथुला, ये नथुला। यहाँ से उधर जो है चीन है और इधर जो है इंडिया है। यहाँ से 200 किलोमीटर आगे जाएंगे, उसके बाद से 295 किलोमीटर, 477 किलोमीटर, उसके बाद से 475 किलोमीटर, और यहाँ पे कैलाश मानसरोवर है। आप मानसरोवर है 15,000 फीट की ऊंचाई पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे है कैलाश। ये कभी पूरा हिंदुस्तान में हुआ करता था, यहाँ तक जो है ना ये पूरा हिंदुस्तान में कभी हुआ करता था, पूरा का पूरा। अब ज़रा सोचिए, और ये अभी पूरा का पूरा जो है वो चीन में है, पूरा का पूरा। कहीं नहीं तो कहीं जो है उसमें हमारी भी नादानी है, हमारी भी कमियाँ हैं, हमारी भी गलती है। बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन चंद पैसों के लालच में, कुछ सस्ते सामान को खरीदने के लालच में जो है ना हम चाइनीज प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। साउथ अफ्रीका की मैं एक कहानी एक आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। साउथ अफ्रीका में 90% चाइनीज मोटरसाइकिल बिकता था, साउथ अफ्रीका में पूरा चाइनीज मोटरसाइकिल बिकता था। लेकिन जब बजाज और TVS साउथ अफ्रीका में गए तो चाइनीज मोटरसाइकिल बिकना बंद हो गया और साउथ अफ्रीका में 75% बजाज और TVS बिकता है, सिर्फ और सिर्फ 10% चाइनीज मोटरसाइकिल बिकता है और 15% जैपनीज मोटरसाइकिल साउथ अफ्रीका में बिकता है। तो जरा सोचिए, जब साउथ अफ्रीका के लोगों को भारतीय प्रोडक्ट पे भरोसा हो सकता है, बजाज और TVS पर भरोसा कर सकते हैं, हमने माइक्रोमैक्स पे क्यों नहीं भरोसा किया, हमने लावा पे क्यों नहीं भरोसा किया, हमने कार्बन पे क्यों नहीं भरोसा किया। आज एक ईयरफोन कंपनी का नाम मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, बोट नाम का एक ईयरफोन कंपनी है जो मेड इन इंडिया है, भारत की कंपनी है और कमाल का ईयरफोन बनाता है, क्योंकि हम लोगों ने उस ईयरफोन पे भरोसा किया। अगर हम भारतीय मोबाइल कंपनियों पे भरोसा करेंगे, 1 साल समय लगेगा, 2 साल समय लगेगा, 3 साल समय लगेगा, लेकिन वो कमाल का मोबाइल जब भारत में बनना शुरू हो जाएगा तो चाइना का अर्थव्यवस्था गड़बड़ होगा।
जरा सोचिए, आप लोगों को समझ में नहीं आता है, अगर 10,000 का हम मोबाइल खरीदते हैं और उससे 1,000 रुपया चाइना गवर्नमेंट को जाता है, तो वो 1,000 से बुलेट खरीदता है। क्या खरीदता है? बुलेट, गोला बारूद, फाइटर प्लेन खरीदता है, और उसका इस्तेमाल किसके खिलाफ करता है? हमारे देश के जवानों के खिलाफ करता है, हमारे देश के जवानों के खिलाफ करता है वो। जरा सोचिए, अगर हम 20,000 का मोबाइल खरीदते हैं तो 2,000 रुपया जो है चाइनीज गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है, और उस 2,000 रुपया का इस्तेमाल वो कहाँ करता है? हालांकि बहुत सारे लोगों को मेरी बातें बुरी लगेगी और कहेंगे कि ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन है, नोकिया फिनलैंड की कंपनी है, फिनलैंड हमारा दुश्मन नहीं है। सैमसंग कोरिया की कंपनी है, कोरिया हमारा दुश्मन नहीं है। HTC है, आसूस है, ताइवान की कंपनी है, सस्ता मोबाइल आता है, ताइवान चीन का दुश्मन है, तो ताइवान हमारा दोस्त हुआ। उसके अलावा अगर महंगा मोबाइल खरीदना है तो एप्पल खरीदिए। लेकिन देश के बुद्धिजीवी लोग ज़्यादातर ही देश के बर्बादी के कारण हो गए, सच्चाई ये है। ज़रा सोचिए, अभी गर्मी का मौसम है और उस समय जो है हम लोगों को ये जैकेट पहन के यहाँ पे आना पड़ रहा है। हम लोग 10 मिनट के लिए नथुला ऊपर गए थे तो सांस लेने में समस्या हो गया था। हमारे देश के जवान किस प्रकार से देश की सुरक्षा करते होंगे सोच सकते हैं, सोचिए। और हम तो बस थोड़ा सा स्मार्ट क्या फ़ोटो आ गया, ओप्पो वीवो चाइनीज मोबाइल ख़रीद लेते हैं और उसके बाद से उदाहरण भी देते हैं, अरे देश में बनता ही नहीं है तो कहाँ से इस्तेमाल करेंगे? काहे नहीं आप अनाथ आश्रम से दुगो बच्चा गोद में ले लेते हैं? लेते हैं, नहीं लेते हैं, अपना ही बच्चा पैदा करने का प्रयास करते हैं। क्यों लेंगे हम चाइना का मोबाइल? क्यों लेंगे हम चाइनीज प्रोडक्ट? हम अपना प्रोडक्ट बनाएंगे। ये चीज़ें समझना होगा। बाकी मेरे से भी ज़्यादा समझदार लोग हैं। मैं इस देश का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं इस देश का सबसे बुद्धिजीवी व्यक्ति नहीं हूँ, ये मेरा सोच है, मैं आपके ऊपर थोप नहीं रहा हूँ। आपकी मर्जी, जैसे करना है वैसे कीजिए। मेरे दादाजी चीन के युद्ध में इसी जगह पे लड़े हैं, सिक्किम में पोस्टेड थे, पैरालिसिस हो गया। मेरे पिताजी आज भी आर्मी में हैं और बीनागुड़ी में पोस्टेड हैं आज भी मेरे पिताजी। 12 साल कश्मीर में थे। हमें दर्द होता है जब दुश्मन देशों से गोलीबारी होती है तो हमें एहसास होता है हम लोग किस हिसाब से जिए हैं, हमें पता है। तो इस दर्द को समझना होगा। चाइना को हम लोग एक साल में कमज़ोर कर सकते हैं, 365 दिन में चाइना का अर्थव्यवस्था जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। 1990 में चीन हमसे पीछे था, सन 2000 में चीन का इकोनॉमी भारत का इकोनॉमी बराबर हुआ था। आप गूगल कीजिए और देखिए, 1990 में चीन का इकोनॉमी भारत से पीछे, सन 2000 में चीन का इकोनॉमी और भारत का इकोनॉमी बराबर हुआ, और 2022 में चीन का इकोनॉमी भारत के इकोनॉमी से 5 गुना आगे है। 16 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी है चीन का और 3 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी है भारत का। सोचिए 5 गुना आगे सिर्फ और सिर्फ 22 साल में, जरा सोचिए। और इस 22 साल में चीन इसलिए आगे चला गया कि दुनिया में चीन को सबसे बड़ा मार्केट जो है भारत के रूप में मिल गया। बाकी आप लोगों की मर्जी, ये मेरा सोच था। किस प्रकार से इस देश के जवान जो है 6-6 महीना तक अपने परिवार वालों से नहीं मिलते हैं, किस प्रकार से इस देश का जवान का शादी जो है रुक जाता है और शादी होने के 1 महीना बाद जो है उसका पार्थिव शरीर घर आता है, इस दर्द को समझना होगा। हालांकि देश में राष्ट्रवादी सरकार है ऐसा कहा जाता है, लेकिन 2014 के बाद से जितना भी इंडियन मोबाइल कंपनियां था वो सारा धीरे धीरे बंद होना शुरू हो गया। इस देश के सभी बड़े बड़े कंपनियों में चाइनीज इन्वेस्टर का पैसा लग गया। जरा सोचिए, ये कहीं नहीं तो कहीं गलत है। हम धीरे धीरे ही खड़े होंगे, लेकिन एक ना एक दिन ज़रूर खड़े होंगे, और जब एक दिन खड़े हो जाएंगे हम अपने पैरों पे, तो चीन से मजबूत हो जाएंगे, फिर चीन हमारे तरफ आंख भी नहीं दिखाएगा। बस एक प्रयास किया जाए। अभी हम लोग उस जगह पे खड़े हैं जहां से चिल्लाने के बाद चाइनीज सैनिकों को भी ये नारा जो है सुनाई दे रहा होगा, सही है कि नहीं है? भारत माता, देश से बहुत प्यार है ना आप लोग? बहुत प्यार है, बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा प्यार है। चीन से नफरत है कि प्यार है? चीन से नफरत है। क्या है नफरत है? क्या है नफरत है? नफरत है क्या है?
नफरत है। तो आप लोगों से विनती करना चाहता हूँ, ये सभी लोगों को चीन से नफरत है, तो आप सभी लोग चाइनीज सामान का बहिष्कार करेंगे। भैया और हमारा कोशिश भी यही रहता है कि चाइनीज सामान का यूज कम से कम करें, दाम नहीं करे। तो चीन से नफरत इसलिए कि हमेशा नफरत का बीज बोया है, समझ गए, और हमारे देश को परेशान से अटैक किया है, ये सबको कमजोर समझता है, अपने आप को हमेशा बहुत ताकतवर समझता है, इसका घमंड को चूर करने के लिए इंडियन आर्मी आ रही है और सबको सबक सिखाएगा, सबको सबक सिखाएगा। और देखिए ये कितना खूबसूरत दृश्य है, और ये भारत का है, और इससे भी ज्यादा खूबसूरत जगह को जो है ना भारत का चीन ने कब्जा कर लिया है, कैलाश मानसरोवर हो या बहुत सारा जगह हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक सिंह है। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम बिजनेस करते हैं। कहाँ से? बनारस से। अच्छा, चाइनीज सामान का बिजनेस नहीं ना करते हैं जी? चाइनीज सामान का भैया, हम लोग चाइनीज सामान का बिजनेस किए ही नहीं, हम लोग कभी नहीं किए। जापान की एक कहानी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जापान को अमेरिका ने बहुत नुकसान पहुँचाया था। अमेरिका का सेब बहुत अच्छा होता है, जापान का सेब बहुत खट्टा होता है, आप लोग गूगल पे जाके देख लेना। अमेरिका ने एक बार एक शिप जो है सेब जापान में भेजा था, सस्ते दामों पे भेजा था, लेकिन जापानीज लोगों ने वो सेब को नहीं खरीदा, बोला कि हमारा खट्टा सेब ही सही है, हमारा छोटा सेब ही सही है, हमारा महंगा सेब ही सही है, लेकिन जापान का सेब जापान के लोग इस्तेमाल करेंगे। और यही कारण है कि जापान हिरोशिमा और नागासाकी पे अटैक होने के बावजूद भी खड़ा हो गया, और भारत तो अभी चीन पे डिपेंडेंट हो गया है। सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? इसके पहले जो भी हमारे देश को चलाए हैं, हमको जो भी हो गया वो उस टाइप के नहीं थे। आज हमारे देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसके वजह से आज हमारे में इतनी ताकत है और आज हम कुछ करने लायक हैं। देखिए, इनको प्रधानमंत्री पे बहुत ज्यादा गर्व है, हमें भी प्रधानमंत्री पे बहुत ज्यादा गर्व है, और देश के लोगों को भी प्रधानमंत्री पे बहुत ज्यादा गर्व है। जिस प्रकार से आपने 140 एप्लीकेशन को बैन किया, उसी प्रकार से कम 40 प्रोडक्ट चाइनीज बैन कर दें। सही है कि नहीं? प्रोडक्ट देखिए, जो भी हो, अगर हमको उस चीज को जिससे नफरत है हमको उससे दूर रहना ही बेटर है। हर सामान से, हर चीज से, हर चीज जब हम यूज करना है, यूज करना, प्रोडक्ट यूज करना छोड़ दीजिए, चाइनीज प्रोडक्ट अपने आप बैंड बच जाएगी और वापस चले जाएंगे लोग, और कुछ नहीं। कैसे छोड़ दे, बैन होगा तब ना? नहीं नहीं, ये सही बोल रहे हैं, इंडियन प्रोडक्ट को यूज करिए, चाइनीज। आप अपने अंदर तो सुधार लाइए, बाकी लोगों की तो बातें अलग है। बहुत बढ़िया। इन्होंने अपने आप को तो सुधार कि हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, हमें अपने आप को सुधारना है। हम सुधार अपने आप में लाएंगे, अपने आप सुधार आएगा। तो आप चाइनीज सामान का इस्तेमाल अब नहीं कीजिए? नहीं करते हैं, एकदम नहीं। चलिए ठीक है, आखिरी में सिर्फ और सिर्फ एक शब्द, जय हिंद।